हेलो क्लास, ये आपके सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, डिजिटल लाइब्रेरीज। इसमें जो सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं जेनेसिस, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। जेनेसिस वर्ड का मीनिंग होता है हिस्ट्री। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। बिल्डिंग अ डिजिटल लाइब्रेरी रिक्वायर्स नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए हमें कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ज़रूरी चीज़ें, जैसे उसमें हार्डवेयर भी आएगा, उसमें सॉफ्टवेयर्स भी आ जाएंगे और प्रोटोकॉल्स का भी यूज़ होगा, कुछ बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स यूज़ होंगे, रिकॉर्ड फॉर्मेट। मतलब कि जो बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि TCP, IP, HTTP इस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड मतलब जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उसको रिकॉर्ड करने के लिए किस फॉर्मेट में, क्या क्या कैटेगरीज़ में उनकी एंट्री होगी। एक किताब की एंट्री के लिए कितने टैग्स बने हुए हैं, कौन से कॉलम में क्या चीज़ आएगी, ये बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड है। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स भी बने हुए हैं जिसको फॉलो किया जाना कंपल्सरी होता है, ताकि डेटा का दो लाइब्रेरीज़ के डेटा को मर्ज किया जा सके, यूनियन कैटलॉग बनाया जा सके। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, किस तरह से रिकॉर्ड को मेंटेन करना है और रिट्रीवल के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इन्फॉर्मेशन किस तरह से हम वापस से रिट्रीव करेंगे इन स्टैंडर्ड्स से, ये सारी चीज़ें डिजिटल लाइब्रेरी में आती हैं। द टर्म डिजिटल लाइब्रेरी केम इन एग्जिस्टेंस बाय द वेब 3.0 टेक्नोलॉजी। अब ये डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? अगर वेब 3.0 नहीं होता, यानी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती, तो डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी नहीं आ पाता। डिजिटाइज चीज़ें हैं, डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, इसीलिए लाइब्रेरी को भी डिजिटाइज करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म देना पॉसिबल हो पाया है। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? एक कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का जिनको हमने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज़ करके इंटरनेट पे अवेलेबल करवाया है, जहाँ पे एक यूज़र क्या है, मैगज़ीन्स को, आर्टिकल्स को, बुक्स को, इमेजेस को, साउंड फाइल हैं या वीडियोज़ हैं, इन सभी को एक्सेस कर सकता है। उसको कहीं भी किसी फिज़िकल लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन से वो एक्सेस कर सकता है इनको। अब डिजिटल लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? एक डिजिटल रिपॉजिटरी है। किस चीज़ की? डिजिटल कलेक्शन की या कंटेंट की। रिपॉजिटरी का मैंने आपको पहले ही बता दिया था मीनिंग आज की क्लास में। इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जा सके। तो डिजिटल रिपॉजिटरी मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम अपने इंस्टीट्यूट के डेटा को रखते हैं, जहाँ से लोग उसे एक्सेस कर सकें। तो ये क्या है? सिर्फ एक स्टोर हाउस है जहाँ पे हम अपने कंटेंट को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके रख देते हैं। ऑनलाइन डेटाबेस होता है ये डिजिटल ऑब्जेक्ट का। डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सुनने में टेक्निकल लगता है, बट ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अब अगर हमारे पास कोई फिजिकल फॉर्मेट में एक प्रिंटेड पेज है, उसको जब हम डिजिटाइज कर देंगे, यानी स्कैन करके या किसी और तरीके से उसको हम ऑनलाइन अवेलेबल करा देंगे, तो वो क्या एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा? क्या एक ऐसा ऑब्जेक्ट? डिजिटल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। डिजिटल ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ डिजिटाइज्ड कंटेंट। जैसे अगर कोई फोटोग्राफ है प्रिंट में, उसको आप डिजिटाइज कर दें, ऑनलाइन अवेलेबल करवा दें, तो वो क्या हो जाएगा? एक डिजिटल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। या अगर किसी ने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है, तो वो पोस्ट क्या है? वो भी एक डिजिटल ऑब्जेक्ट ही है। दोनों चीज़ें सेम होंगी, क्योंकि दोनों डिजिटाइज फॉर्मेट में ही आ रही हैं। एक को हम डिजिटाइज बना रहे हैं और एक ऑटोमेटिकली डिजिटल ही अपडेट हो रही है वहाँ पे। डिजिटल लाइब्रेरीज़ क्या करती हैं? स्टोर, ऑर्गेनाइज, सर्च एंड रिट्रीव द कंटेंट। जो डिजिटल फॉर्मेट में एक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको किस तरह से अरेंज करना है और कैसी कैटेगरीज बनानी है, जब कोई सर्च करेगा तो वो कैसे उसको रिट्रीव होगी इन्फॉर्मेशन, ये पूरा प्रोसेस डिजिटल लाइब्रेरीज़ में ही आता है, यही उनका काम है। डिजिटल लाइब्रेरीज कैन वेरी इन साइज स्कोप एंड कैन बी मेंटेन। अब ये क्या है कि अलग अलग साइजेस की हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट, किस तरह के नेचर है इनका, किस तरह के इंस्टीट्यूशन को, किस तरह के यूजर्स को सर्व कर रही हैं, इनका क्या स्कोप है, क्यों बनाई गई हैं। और ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हो सकती है, यानी किसी एक इंसान द्वारा संचालित भी हो सकती है और एक संस्थान के द्वारा भी संचालित हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो सबसे पहला वर्ड बताया था जेनेसिस, उसका मतलब क्या होता है? हिस्ट्री होता है। तो इसमें हम कुछ
कुछ लोगों के बारे में देखेंगे जिनका रोल रहा है डिजिटल लाइब्रेरी के कंट्रीब्यूशन में। पहला है की पर्सन्स एसोसिएटेड विद अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। जब शुरुआत हुई थी उस समय में जिन लोगों का नाम था, पहला जो नाम आता है वो है पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन। इनका आता है नाम क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वर्क की शुरुआत इन्होंने ही की थी। एन अटेम्प्ट टू डिजिटल लाइब्रेरी बिगन। अब डिजिटल लाइब्रेरी को बनाने का जो शुरुआत की गई, पहली कोशिश की गई थी वो हुई थी 1895 में। कैसे? टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द नॉलेज अवेलेबल इन वर्ल्ड। और किस उद्देश्य से की गई थी? कि पूरे विश्व में जो ज्ञान है अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन, उसको हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ से लोग विश्व शांति के लिए उसका इस्तेमाल कर सके, मतलब हर कोई उस तक पहुँच सके और अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर सके। अब इसके बाद जो दो लोगों का नाम आता है वो एक हैं वैनवर बुश और लिकलाइडर। इन दोनों ने इसी आइडिया पे काम करते हुए आगे इसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए थे। अब जो वैनवर बुश थे वो उन रिसर्चर्स में से थे जिन्होंने वो बॉम्ब बनाने में असिस्ट किया था, काम किया था जिसको हिरोशिमा पे गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी की दो ऐसी त्रासदी हैं जिसको आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। वहाँ पे जो बॉम्ब गिराए गए थे उसकी वजह से उनकी कई जनरेशंस ख़राब हो गई थी, पूरी तरह से उसका नामो निशान मिट गया था वहाँ से। सभी जानते हैं इसके बारे में, हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो सीन था। तो वो जो बॉम्ब बनाया गया था उसमें बहुत सारे रिसर्चर्स इंक्लूडेड थे, ये भी उसमें से थे। जब उन्होंने वो डिस्ट्रक्शन देखा कि मैंने एक ऐसी, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं एक ऐसी चीज़ बना सकता हूँ जो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है, तो मैं ऐसी चीज़ क्यों नहीं बना सकता कि जिससे पूरे वर्ल्ड का फ़ायदा हो। इसी कॉन्सेप्ट को ले करके वो कुछ बेहतर करने के लिए काम करते रहे और कई सालों तक लगातार रिसर्च वगैरह करने के बाद में ही पब्लिश्ड हिज़ फर्स्ट बुक ऑन हिज़ रिसर्च। कई सालों तक, डिकेड्स का मतलब यहाँ पे है ना, आफ्टर डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब है एक डिकेड मतलब 10 साल का समय। तो कई सालों तक इन्होंने रिसर्च की और उसके बाद में अपनी जो पहली किताब अपने रिसर्च में लिखी, रिसर्च वर्क के बाद, उसका नाम था लाइब्रेरीज ऑफ द फ्यूचर। किस तरह से वो जनरेशन्स को सर्व करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ सिस्टम दैट कैन यूज़ कंप्यूटर। वो चाहते थे कि एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसके थ्रू कंप्यूटर को और नेटवर्क को यूज़ करके जो ह्यूमन नॉलेज है उस तक पहुंचा जा सके, जितनी भी इस पूरे संसार में जानकारी है उसको लोग एक्सेस कर सकें। अर्ली प्रोजेक्ट्स इन फील्ड ऑफ डेवलपिंग डिजिटल लाइब्रेरी वॉज क्रिएशन ऑफ, सबसे पहला अटैम्प्ट, पहला अटैम्प्ट तो नहीं कहेंगे, धीरे धीरे ये लोग कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन शुरुआती दौर में जब डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ कदम बढ़ाया गया तो उसमें ओपैक का बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा। क्योंकि पहले हम कार्ड्स बनाते थे जो फिज़िकल फॉर्म में हमारे पास 5x3 वाली, जो आपके साइज़ आपको पता है कार्ड्स होते हैं, वो बनाकर लाइब्रेरी में हम रखते थे जो यूज़र यूज़ करता था। उसी को हमने ऑनलाइन दे दिया कि अब आप इसको सिस्टम में सर्च कर लीजिए और इसके थ्रू आप एक्सेस करिए बुक्स को। तो ये पहला स्टेप था टूवर्ड्स डिजिटल लाइब्रेरी, एंड दिस इज़ हाउ स्लोली डिजिटल लाइब्रेरी केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड फ्रॉम द मॉडर्न प्लेस। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो करंट में हम देख पा रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरीज का स्वरूप, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, इनकी शुरुआत हुई कहाँ से, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। द अर्ली स्टेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट वॉज डॉक्यूमेंट कलेक्शन ओरिएंटेड। पहला जो शुरुआती दौर था वहाँ पे क्या था, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रखना, एंड डिज़ाइन टू ऑटोमेट ट्रेडिशनल लाइब्रेरी फंक्शंस बाय हेल्पिंग लाइब्रेरियंस टू मैनेज फिजिकल बुक एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस जैसे एक्विजिशन, लोन, रिकॉल। पहले तो क्या होता था, जब शुरुआती दौर था डिजिटल लाइब्रेरीज का, तो वहाँ पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो भी कलेक्शन होता था, उनको ऑटोमेट करने का काम शुरू हुआ। ठीक है, जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज थे उनके फंक्शंस को धीरे धीरे ऑटोमेट किया गया, यानी कंप्यूटर के थ्रू कैसे उसको यूज़ किया जाए। सबसे पहले अगर फिज़िकल फॉर्म में कोई आपके पास लाइब्रेरी है तो उसका डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जब आप डेटाबेस बना लेंगे तभी आप उस पर आगे काम करके लोगों को उसकी एक्सेस दे सकते हैं। अगर लाइब्रेरी में आप कंप्यूटराइज नहीं करेंगे चीज़ों को, कंप्यूटर के का बेस नहीं देंगे, डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे, तो लोगों को उस तक पहुँचाएँगे कैसे। तो पहले ये काम ऑटोमेशन का काम शुरू हुआ। डिजिटल लाइब्रेरी बनाने से पहले ऑटोमेशन होता है, उसके बाद एक स्टेप आप आगे जाएंगे। डायरेक्टली आप एक फ़िज़िकल लाइब्रेरी को और डिजिटल लाइब्रेरी में नहीं बना सकते हैं। तो यही काम पहले शुरू हुआ। फिर इन द बिगिनिंग ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी 90s के दशक में जो फेमस सॉफ्टवेयर्स थे वो कौन कौन से थे, एक था टिनलिब,
एक्सलिब और लिप प्लस, ठीक है। एलिस भी था, एलिस का नाम आप भी अभी भी आप लोग सुनते हैं, बाकियों का भले ना सुना हो। ये सब उस टाइम पे लाइब्रेरी के जो फंक्शंस होते थे उसको परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। डिजिटल लाइब्रेरी से बिगेन टू एग्जिस्ट विद सिंपल थॉट दैट लाइब्रेरी कैन वर्क इन इंटरनेट इन्वायरमेंट एंड द वर्क स्टार्टेड टू प्रोवाइड अ डिजिटल लाइब्रेरी सॉरी अ लाइब्रेरी विदाउट वॉल। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जब कोई भी नई चीज़ शुरू होती है तो एक थॉट प्रोसेस से शुरू होती है। हम सोचते हैं पहले कि अरे अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया रहता। अभी जैसे कुछ टाइम पहले जब हमारे पास छोटे वाले मल्टीमीडिया सेट होते थे, तो उस टाइम किसी के माइंड में तो आया होगा कि यार अगर ये टच स्क्रीन होता तो कितना अच्छा था। लेकिन उस टाइम पे जिनके माइंड में आया होगा उनको शायद लगा होगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनको टेक्निकल बेस रहा होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, हम इसको बना सकते हैं। तो वैसे ही एक थॉट आया कि हम लाइब्रेरी को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं और उसको जोड़ कर हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हैं जहाँ पे लाइब्रेरीज विदाउट वॉल होंगी, यानी उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा लेकिन लोग एक्सेस कर लेंगे उनको। फिर अब डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए कुछ समस्याएं भी आएंगी, जैसे प्रॉपर फंड चाहिए। जब इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्निकल हैंड चाहिए, सेटअप चाहिए, तो पैसे भी चाहिए, कनेक्टिविटी भी रखनी पड़ेगी, पावर सप्लाई भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, ठीक है। और कॉपीराइट इश्यूज तो खैर होते ही हैं, उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप ऐसे ही किसी की भी किताब उठा करके आपने अपनी लाइब्रेरी में नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास में लीगल राइट होना चाहिए। अब कुछ स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या क्या आता है ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, TCP/IP, HTTP, FTP, FTP और बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स, यानी जो आपके पास डेटा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ फॉर्मेट्स बने हुए हैं। सबसे पहला है मार्क, फिर है डबलिन कोर, BIB1, TEI, EAD और मेट्स। इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है जो आप पढ़ लेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में इनका इलेबोरेशन भी है। स्टैंडर्ड्स क्या क्या है? रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ISO 2709, ये क्या है? ये मार्क के लिए है। और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सॉरी स्टैंड वो यूज़ होता है? Z39.50 और OAI PMH, इसका भी आप फुल फॉर्म देख लेंगे। प्रिजर्वेशन स्टैंडर्ड कौन सा है? प्रेमाइस है और OASE है। डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, अब ये क्या चीज़ है? री यूज़ ऑफ कंटेंट इज़ नॉट द ओनली स्ट्रेटजी दैट हैज़ बिन पुट इन प्लेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट। अब डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि जो हमारे पास कंटेंट है उसका रीयूज़ होता रहे, ठीक है। पुट इन प्लेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको एक पूरा सेटअप चाहिए, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, उसके थ्रू आपका काम आगे बढ़ेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप वॉज DLMS, अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर डिजिटल लाइब्रेरी एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट टू ऑपरेट दैम। डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा या आपको परचेज करना पड़ेगा, जैसा भी सूट करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके थ्रू आपकी लाइब्रेरी को एक सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिल सके, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल सके जिसके थ्रू फंक्शनिंग होनी है। उससे क्या होगा, कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, आपके कंटेंट का रीयूज भी होता रहेगा। दस अ डिजिटल लाइब्रेरी कैन बी बिल्ट ओनली बाई डेवलपिंग अ, कैसे बन सकती है डिजिटल लाइब्रेरी? उसको सॉफ्टवेयर बेस्ड चाहिए ही चाहिए, उसको एक अपना मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए ही चाहिए, ताकि कंटेंट को उस पर लोड करवाया जा सके और लोग सर्च कर सकें। अब डेफिनेशन क्या है इसकी? ये कोई ऑथर्ड डेफिनेशन नहीं है, ये एक स्टडीड डेफिनेशन है, यानी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे भी आप डिराइव कर सकते हैं डेफिनेशन। तो डिजिटल लाइब्रेरीज आर ऑल्सो रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल लाइब्रेरी को हम इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी कहते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी भी कहते हैं, लाइब्रेरी विदाउट वॉल भी कहते हैं और हाइब्रिड लाइब्रेरी भी कहते हैं। इसको हम सिनोनिम्स में यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हर एक टर्म जो मैंने यहाँ पर लिखी है इसका एक अपना अलग मीनिंग भी है। जैसे हाइब्रिड लाइब्रेरी का क्या मतलब है कि वहाँ पे वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी रहेगा, वो डिजिटली भी ऑपरेट होगी। और ये वर्चुअल लाइब्रेरी का क्या मतलब है? वो पूरी तरह से ऑनलाइन ऑपरेट होगी, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंशन ऑफ फंक्शंस यूजर्स टिपिकली परफॉर्म एंड द रिसोर्स दे एक्सेस इन ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। अब जो यूज़र्स हैं,
पहले वो लाइब्रेरी जाता था, वहाँ पे जाकर चीज़ों को एक्सेस करता था, लेकिन जब उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ा एक्सटेंड कर जाती हैं, वहाँ फिज़िकल फॉर्मेट से थोड़ा आगे बढ़ के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यूज़ करने लग जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शंस का मतलब है कि वो वही एक्टिविटीज़ कर रहा है लेकिन वो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, तो वही है क्या नाम है, डिजिटल लाइब्रेरी। सो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। दिस वॉज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड यूनिट। थैंक यू।